हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना अपडेटेड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिंजिंग बाम, जो है रॉक ऑन कॉशन का ग्रीन इमराल्ड क्लिंजिंग बाम, और इसको मैं अच्छे से फेस पे लगाने के बाद अच्छे से मसाज कर रही हूँ, और इसको मैं काफ़ी अच्छे से मसाज कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने मेकअप नहीं किया है, बट ये है, ये पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। देन आई एडेड सम वाटर और मैं अपने बाम को इमल्सीफाई किया, और फिर मैं अपने फेस को काफ़ी अच्छे से मसाज दे रही हूँ ताकि सारे पोर्स क्लीन हो जाए और जो भी सनस्क्रीन रेसिड्यू है वो लेफ्ट ऑफ ना रहे। देन आई एम यूजिंग अ कॉटन पैड टू क्लीन द बाम फ्रॉम माई फेस एंड एज वेल एज फ्रॉम माई नेक। काफ़ी अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं एपिसॉफ्ट का जेंटल क्लेंजर ले रही हूँ, ये बहुत माइल्ड है। आई एम टेकिंग 2 पम्प्स ऑफ इट एंड मसाजिंग इट ऑन माई फेस, एंड आफ्टर मसाजिंग इट फॉर लाइक गुड 1 to 1 minutes आई विल गो एंड वॉश माई फेस, एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड विथ माई फर्दर स्किन। आफ्टर पैट ड्राइंग माई फेस एंड नेक एज वेल, मैं नेक्स्ट स्टेप टोनर यूज कर रही हूँ एज अ फेस मिस्ट टू डैम्प माई फेस, और ये ग्रीन टी एंड नायम सिनामाइड टोनर है फ्रॉम द ब्रांड डॉक्टर सेठ। उसके बाद मैं बेंटेन का एसेंस यूज कर रही हूँ, जो कि फर्मेंटेड एसेंस है, जो कि एक कोरियन ब्रांड है, और ये मैंने ब्यूटी बार्न से ख़रीदा था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 1400 rupees। ऑल्दो ये मुझे उतना पसंद नहीं है, बट अब जब ले लिया है तो इसको फिनिश करना है। इसको मैं काफ़ी अच्छे से, इसके 3-4 pumps लेके अच्छे से पैट करती हूँ अपने फेस के ऊपर बिफोर आई अप्लाई माई सेरम्स। सेरम के लिए मैं यूज कर रही हूँ डियर क्लियर्स का फंडामेंटल वॉटरी ड्रॉप। 2 pump लेके मैं अच्छे से अपने पूरे फेस और नेक पे पैट करूँगी, और बचे हुए सीरम्स जो मेरे हाथ में रहते हैं मैं उनको हमेशा अपने पूरे हाथ पे अप्लाई कर लेती हूँ। सेकेंड सीरम आई एम टेकिंग द प्लम्स राइस एंड नया सिनामाइड सीरम। ये बहुत ही अच्छा सीरम है और इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है फेस पे। आउट ऑफ ऑल द नया सिनामाइड सीरम आई हैव ट्राइड, दिस वन इज माई फेवरेट टिल नाउ। सो मैं 2 drops लेती हूँ और जिसको अपने स्किन और अपने फेस की स्किन और नेक पे पैट करती हूँ, और फिर थोड़ा हल्का सा लाइट मसाज करती हूँ। इससे ना एक काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, और आप इस सीरम को डे रूटीन और नाइट रूटीन दोनों में यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ऐसे बचे हुए सीरम्स को मैं अपने हाथ पे लगा लेती हूँ। दिस इज़ हाउ लाइक यू कीप योर हैंड मॉइस्चराइज। फॉर द मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग प्योर बबल्स का क्लैरिटी लोशन। ये काफ़ी लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, और ये एक्चुअली समर के लिए काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, और इसको मैं अपने फेस पे और नेक पे लगा ले रही हूँ, अच्छे से मसाज कर दे रही हूँ। फिर एज यूजुअल जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं अपने हाथों में अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। लास्टली मैं जब जाऊँगी अपने लिप्स की तरफ, सो लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ललीज का लिप पेरी मास्क, और ये काफ़ी अच्छा है, और ये इसका स्मॉल साइज है। दिस कॉस्ट फॉर 400-500 rupees, और ये काफ़ी समय तक चलता है। यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट दो फॉर दिस वन, एंड इसके मैंने अदर वेरियंट ट्राई नहीं किए हैं। नाउ यू कैन सी आई एम लुकिंग लाइक अ ग्लेज डोनट। सो सी यू इन माई नेक्स्ट, एंड टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।